सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एल्कोहल की वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। एल्कोहल के वीडियो की दो इससे पूर्व की सीरीज थी, उसमें एल्कोहलों के जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी जिसके अंतर्गत आर ओ एच बॉन्ड टूटता वो अभिक्रियाएं ले रहे थे, उस वीडियो में एक अभिक्रिया है वो बाकी रह गई थी, वो आज अपन लेंगे। फिर उसके बाद में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों के भेद करने वाली अभिक्रिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो डिटेल से और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वापस जो आर ओ एच बॉन्ड टूटता है उसमें जो बची हुई अभिक्रिया थी वो थी हेलो फॉर्म अभिक्रिया। हेलो फॉर्म अभिक्रिया ये आपको पूरा ध्यान से समझना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे नीट के एग्ज़ाम हो या आपके सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो या स्कूल लेक्चर के हो, उसमें हेलो फॉर्म अभिक्रिया का लगभग बार है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो वहाँ प्रश्न क्या आता है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हेलो फॉर्म का तो मतलब होता है जिसके अंतर्गत ऐसी अभिक्रिया जब हेलो फॉर्म का निर्माण होता है, CHX3 वो आपके हेलो फॉर्म कहलाता है। जैसे CHI3 होगा तो आयोडो फॉर्म, CHCl3 होगा तो क्लोरो फॉर्म। तो इनके हेलो फॉर्म का जो निर्माण होगा तो वो दो प्रकार के यौगिकों से आपके हो सकता है। एक तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अपन आगे लेंगे, इसको डिटेल्स और आपको समझाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ अपने वो देखेंगे। एक आपके एल्कोहल, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसके अंतर्गत CH3CO समूह होगा तो वो हेलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं, और ऐसे एल्कोहल जिसके अंतर्गत CH3CHOH समूह होगा तो वो हेलो फॉर्म अभिक्रियाएं देते हैं। उसका कंसेप्ट ये है कि उसके अंतर्गत कोई भी जो यौगिक है उसके अंतर्गत ये समूह होना जरूरी है, CH3CO समूह और CH3CHOH। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है वो आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब जैसे यहाँ ए जोड़ देंगे तब एल्कोहल बनेगा एथेनॉल, आप CH3 जोड़ देंगे तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आकर निम्न में से कौन सा यौगिक है वो हेलो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है, जैसे आपसे ये प्रश्न दे दिया CH3CH2OH, सेकंड आपको ऑप्शन दे दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, थर्ड आपको ऑप्शन दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और फोर्थ आपको ऑप्शन दे दिया CH3OH। तो इसमें से परीक्षण भी आपको प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा योगी है वो आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें CH3CHOH समूह उपस्थित है। ये वाला भी देता है क्योंकि इसमें ये समूह उपस्थित है। ये वाला भी देगा, इसमें भी ये उपस्थित है, ये वाला आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के हिसाब से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है, होती कैसे है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कार्बोनिल यौगिक ये इस तरीके से जिसमें ये समूह हो, या ऐसे एल्कोहल जिसके अंतर्गत ये समूह हो, तो उनका NaOH या कोई सार होगा और हेलोजन जो होगी जैसे क्लोरीन है, आपके आयोडीन है, उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो हेलो फॉर्म का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एल्कोहल का अपन पर्टिकुलर उदाहरण लें, जैसे आपके इथेनॉल CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। इसमें आयोडीन के 4 अणु काम आते हैं और NaOH के 6 अणु काम आते हैं। इसमें एक जो बनता है वो बनता है आयोडो फॉर्म CHI3, ये एक इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक आपके जो बनता है वो HCOONa और बाकी आपके जल के अणु और NaI के अणु आपके बनते हैं। NaI के तो 5 अणु बनते हैं और जल के अणु भी है वो 5 जल के अणु बनते हैं। तो ये एक समीकरण है, वो संतुलित समीकरण है। आयोडीन है वो 8 होगा तो 3 × 5 ये 8 हो जाएगा। 6 Na है तो आप 1 Na ये, 5 Na ये, 6 O है, 1 O ये, 7 O है, तो 7 O में से 5 O ये और 2 O ये, तो ये समीकरण संतुलित है। तो ये इसका नाम तो एथेनॉल आयोडीन NaOH, इसका नाम है आयोडो फॉर्म
और ये सोडियम फॉर्मेट और H2 और NaI, इस अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जो इससे पूर्व की वीडियो सीरीज थी, तो ये अभिक्रिया आपकी बची हुई अभिक्रिया थी, इसलिए मैंने आपको एक बार वापस समझाया है और कॉम्पिटेटिव एग्जामों के हिसाब से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में जो अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था, जिसके अंतर्गत एक ही OH समूह होता है, उससे संबंधित और जो अभिक्रियाएँ आपकी बाकी रह गई है, उसमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों का विभेद कैसे किया जाता है, वो मैं आपको 5-6 प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं कुछ तो अपन चर्चा कर चुके थे, जो बाकी थी वो अपन वो यहाँ चर्चा करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का भेद, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का विभेदीकरण करने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। लुकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, और ऑक्सीकरण, एसिटिलीकरण, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, एसिटिलीकरण और ऑक्सीकरण मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। विहाइड्रोजनीकरण में प्राथमिक एल्कोहलों से उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड, फिर उसने आगे और आपके उतने कार्बन वाला है वो, यानी कि इसमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है प्राथमिक एल्कोहल से, विहाइड्रोजनीकरण होगा कॉपर की नलिका 5-3 में, वो आपको मैंने समझा चुके हैं। द्वितीय एल्कोहल से कीटोन और तृतीय एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता बल्कि निर्जलीकरण होता है, और एसिटिलीकरण का क्रम होता है वो भी आपको बता चुके हैं। ऑक्सीकरण में वो आपको सारा बता चुके थे, प्राथमिक एल्कोहल से उतने कार्बन वाला पहले एल्डिहाइड, फिर उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और द्वितीयक एल्कोहल से उतने कार्बन वाला आपके कीटोन, फिर उससे कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और तृतीयक एल्कोहल में आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, यदि ऑक्सीकरण होता भी है तो उसमें कम कार्बन वाला पहले वो कीटोन में टूटता है, फिर कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे आज, ये दो जो मेथड है उसके बारे में आपको समझाएंगे। ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक किसको कहते हैं, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है वो आपके कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक आप दिए गए एल्कोहल में मिलाओगे तो आपको पता है कि इसमें एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। तो इसमें अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यदि आप दिए गए एल्कोहल में सांद्र HCl और ZnCl2 मिलाओगे तो तुरंत आपकी टर्बिडिटी या तुरंत दुग्धलता आ जाएगी, तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा। आपके 5 मिनट के बाद में आपका आता है तो वो थोड़ा समय लेगा, तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और ज़्यादा आपको समय लेगा लगभग आपके आधा घंटा के बाद में उसमें दुग्धलता है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो इस तरीके से आप ल्यूकास अभिकर्मक में एक्चुअल में होगा क्या, आपके इसके अंतर्गत HCl से क्रिया होगी ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड बनेगा, तो एल्किल हैलाइड बनेगा तो उसमें क्या आएगी, दुग्धलता आएगी, टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी में कितना टाइम लगता है उस हिसाब से उसका टेस्ट किया जाता है प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय, उसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा, तृतीयक एल्कोहल से तुरंत दुग्धलता, द्वितीयक एल्कोहल से 5 मिनट के बाद में, और प्राथमिक एल्कोहल से लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ परीक्षा में भी पूछा जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण, उसकी सहायता से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों का भेद कैसे किया जा सकता है वो सारा आपको समझना है। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, कोई प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का यह उदाहरण है एथेनॉल, तो
लुकास टेस्ट के बाद में जो ये विक्टरमेयर परीक्षण है, विक्टरमेयर परीक्षण कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो दिया गया एल्कोहल है उसकी सबसे पहले लाल फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो इससे एल्कोहल है वो आपके एल्किल आयोडाइड में चेंज हो जाता है, यानी आयोडो एल्केन में चेंज हो जाता है। प्राथमिक एल्कोहल होगा, चाहे द्वितीयक एल्कोहल होगा, चाहे तृतीयक एल्कोहल होगा, लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगी, तो इसका निर्माण होगा आयोडो एल्केन का निर्माण होगा, इसमें बनेगा आयोडो एथेन, 1-आयोडो एथेन। फिर इस तरीके से जो बना हुआ आयोडो यौगिक होगा उसकी अभिक्रिया AgNO2 के साथ में करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो Ag बाहर निकल जाता है और वो CH3CH2 एन डबल बॉन्ड ओ और आपके ओ यानी NO2 समूह में नाइट्रो एल्केन में आपके वो चेंज होता है। फिर उस नाइट्रो यौगिक जो बना हुआ है उसकी आगे अभिक्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ में, आगे इसकी रिएक्शन किसने करवानी है, नाइट्रस अम्ल HNO2, इसका सूत्र ये होता है एन नाइट्रस एसिड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं OH एन डबल बॉन्ड, ये नाइट्रस एसिड होता है। तो नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शन होगी इसे एन डबल बॉन्ड ओ और आपके OH, तो यहाँ के दो हाइड्रोजन होते हैं इसमें और ओ, नाइट्रस एसिड की क्रिया होगी तो H2 बाहर निकल जाएगा और एक ऐसा यौगिक बनेगा जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोल एन, या आपके डबल बॉन्ड OH और ये NO2 ग्रुप है, तो ऐसा यौगिक बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोल। फिर उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, NaOH के साथ में क्रिया करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो वो सोडियम नाइट्रोल का निर्माण होता है, H2 बाहर निकल जाता है जिसका कलर आपके लाल रंग का यौगिक बनता है, CH3C डबल बॉन्ड N और O के आगे Na+ आपके जुड़ जाता है, H2 बाहर निकल जाता है तो कैसा कलर आता है, लाल रंग। प्राथमिक एल्कोहलों से तो लाल रंग आता है, द्वितीयक एल्कोहलों से नीला रंग आता है और तृतीयक एल्कोहलों से रिएक्शन होती नहीं है, कोई कलर नहीं आता है। तो आप विक्टरमेयर परीक्षण के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में आप भेद कर सकते हो। प्राथमिक एल्कोहल है वो का विक्टरमेयर परीक्षण करेंगे तो लाल रंग आता है, द्वितीयक एल्कोहल से नीला रंग आता है और तृतीयक एल्कोहल है वो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो मैंने आपको प्राथमिक एल्कोहल, अब विक्टरमेयर परीक्षण कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रत्येक पद आपको याद रखना है। सबसे पहले लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करवाई जाती है, फिर उसकी अभिक्रिया आगे HgNO2 उसमें मिलाया जाता है, फिर उसमें नाइट्रस एसिड मिलाया जाता है HNO2 और लास्ट में आपके NaOH मिलाया जाता है। तो एक तो फर्स्ट तो लाल फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, सेकेंड आपके HgNO2, थर्ड आपके नाइट्रस एसिड और फोर्थ है वो NaOH। ये आपको याद रखने हैं, बनने वाले उत्पाद क्या वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राथमिक एल्कोहल में ये नाइट्रोल बनता है, फिर लास्ट में आपकी लाल रंग आता है, क्यों आता है वो अभिक्रिया आपको समझाई। अब ऐसे ही मैं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया आपको समझा रहा हूँ। आप द्वितीयक एल्कोहल का जो उदाहरण ले रहे हैं तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो इसको, ये एक द्वितीयक एल्कोहल है, इसकी लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगी तो OH जहाँ भी होगा वहाँ आपके आयोडो समूह जुड़ जाएगा, CH3CHI और CH3 2-आयोडोप्रोपेन का निर्माण होगा, इसका क्या नाम है, 2-आयोडोप्रोपेन। फिर इसकी आप अभिक्रिया HgNO2 के साथ में क्रिया करवाओगे तो इसमें CH3CH या आपके NO2 ग्रुप है वो जुड़ जाएगा, 2-नाइट्रोप्रोपेन का निर्माण होगा। फिर इसकी अभिक्रिया आपके HNO2 से अभिक्रिया होगी तो उत्पाद क्या बनेगा वो आपको समझना है। नाइट्रो जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, वो NO2 से आपके जल कणु रिलीज होता है, तो CH3 मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये एक ही हाइड्रोजन है इसमें NO2 में, तो इसमें नाइट्रस एसिड का OH समूह आपके यहाँ जुड़ेगा, OH एन डबल बॉन्ड हो, ये नाइट्रस एसिड का सूत्र है,
नाइट्रोजन एसिड का OH और इसका एक H, तो इसमें वह नाइट्रोल ने बन करके शूडो नाइट्रोल का निर्माण होता है। ऐसी जो संरचना होती है NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ N फिर डबल बॉन्ड O आपके बनता है, उसको क्या बोलते हैं शूडो नाइट्रोल। तो शूडो नाइट्रोल बनेगा, फिर इसकी अभिक्रिया आप NaO से करवाओगे तो NaO जिसे कोई सब्सिट्यूट, इसमें आपके OH ग्रुप है नहीं तो आपके वहाँ ये जुड़ ही नहीं सकता, तो इसमें आपका कलर कैसा रहेगा, नीला रंग ही रहेगा NaO, जिसमें आप रिएक्ट नहीं करेगा शूडो नाइट्रोल के कारण से। और तृतीयक एल्कोहल आप लेंगे तो आपको पता है कि ये तृतीयक एल्कोहल है, लाल फॉस्फोरस हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो मान लीजिए यहाँ आपके ग्रुप आ गया, फिर HNO2 से क्रिया होगी तो मान लीजिए यहाँ आपके NO2 ग्रुप आ गया, इसकी क्रिया आगे HNO2 से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जहाँ NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इसमें आपके वो रंगहीन रहता है। तो मेरे हिसाब से आपके विक्टर मेयर परीक्षण की अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। कई बार परीक्षा में पूछी गई है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का भेद कैसे किया जाता है। विक्टर मेयर परीक्षण मैंने आपको बताया तो दिया गया एल्कोहल है उसमें आपको सबसे पहले लाल फॉस्फोरस हाइड्रोजन हाइड्रेट मिला जाता है, फिर उसके बाद में आपके उसमें HNO2 मिला जाता है, फिर उसके बाद में HNO2 मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में NaO से मिलाया जाता है। लाल रंग आता है तो प्राथमिक एल्कोहल, नीला रंग आता है तो द्वितीयक एल्कोहल, और रंगहीन रहता है तो तृतीयक एल्कोहल। और तीनों एल्कोहलों की जो अभिक्रिया है वो मैंने आपको यहाँ समझाई है। तो इस तरीके से आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तब आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में एल्कोहलों में डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो है एथिलीन ग्लाइकोल उसकी अभिक्रियाएँ हैं, और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कई बार परीक्षा में आती है तो वो तक पहुंचने के लिए आपने वो आगे वीडियो की सीरीज में देखेंगे। और फिर उसके बाद में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और फिर उसके बाद में अपने वो फिनोल की अभिक्रियाएँ हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद में आपके ये यूनिट है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो आप वीडियो की को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी है वो निःशुल्क है वो इस कोरोना की इस महामारी में वीडियो को देख करके और जो नोट्स आपको शेयर कर रहे हैं वो उसको पढ़ करके समझ सकें। धन्यवाद।